हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल ऑफ एक्सीलेंस। आई एम योर मेंटर रामबाई यादव। लर्नर्स, आज हम अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया। और जैसा कि हमें पता है, इस चैप्टर 7 के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड कूर्ग, एंड थर्ड टी फ्रॉम असम। सो चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 कूर्ग, जिसके की ऑथर हैं लोकेश एब्रोल। लर्नर्स, क्या आपने कूर्ग के बारे में सुना है? शायद मे और मे नॉट बी। कूर्ग कर्नाटका का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाउन है, सिटी है। चलिए अब पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में, क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ के, इसलिए ये फेमस है, और जो ऑथर है इसके बारे में हमें क्या क्या इंसाइट्स दे रहे हैं कि पेन पोर्ट्रेट कर रहे हैं ऑथर यहाँ पे इस सिटी के बारे में, कि मीन्स इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन वहाँ का पूरा विविडली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कूर्ग कैसा प्लेस है, कहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, वहाँ किस तरह के प्लांट्स पैदा होते हैं, और वहाँ पे किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं, और कूर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 कूर्ग। कूर्ग के नीचे देखिए एक छोटी सी लाइन इटैलिक्स में लिखी है, कूर्ग इज कॉफी कंट्री। कूर्ग किसके लिए जाना जाता है? इट्स ए कॉफी कंट्री, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। और किसके लिए फेमस है? रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए, कि यहाँ दो चीज़ें बड़ी मशहूर है, यहाँ के रेन फॉरेस्ट एंड यहाँ के स्पाइसेस। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन मीन्स जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा। That must have drifted away from kingdom of God. ऐसा लगता है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा, kingdom of God, यानी कि हमें लगता है ना कि ऊपर heaven है, वहाँ से हवा से हल्का सा एक छोटा सा धरती का टुकड़ा वहाँ से हल्के से मूव होके हवा के साथ धरती पे आ गया। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, दो सिटीज़ के बीच में है। कौन कौन से हैं सिटीज़ के नेम? मैसूर एंड मैंगलोर। और ये दोनों ऐसे लगता है, जो ये जो प्लेस है कूर्ग इतना सुंदर है, ऐसा लगता है कि ऊपर जो किंगडम ऑफ गॉड है वहाँ से हवा से छोटा सा किंगडम ऑफ गॉड से धरती मीन्स धरती पे एक हेवन का टुकड़ा आ गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड। इनहैबिटेड मीन्स लिव्ड इन, कि ये जो धरती है, ये जो कूर्ग है, ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे हिल्स हैं, ऐसा लगता है कि द हिल्स दे आर रोलिंग। एंड इट इज़ इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स, कि जो ये धरती है, ये यहाँ पे किस कौन कौन रहते हैं, किस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं? अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। मार्शल मैन मीन्स जो कि वॉर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, जो मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, यहाँ के लोग उसके लिए फेमस हैं। और जो यहाँ की फीमेल्स हैं, वीमेन, दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड क्रीचर्स आर फाउंड। कूर्ग और कोडागू, कूर्ग को दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? कोडागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये क्या है? कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। लर्नर्स, आपको एक एक जो इस प्लेस के बारे में डिटेल है ना, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। तो आप ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है इसके बड़े ध्यान से सुनिए और उसको याद रखिए। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे ऐसे रेन फॉरेस्ट का ये होम है, यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। और साथ में क्या है? स्पाइसेस,
एंड कॉफी प्लांटेशन। तो यहाँ तीन चीजें बड़ी ही फेमस है यहाँ की, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस, कॉफी के बागान। प्लांटेशंस मीन्स बाग। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कितना लैंड एरिया कवर कर रखा है इस डिस्ट्रिक्ट का, 30%। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पावर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। कि यहाँ पे मॉनसून्स में इतनी बारिश होती है कि ये विजिटर्स को यहाँ आने से दूर रखती है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। तो आप इसको इस वे में कह सकते हैं, द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेज। कमेंसेज मीन्स बिगिन्स, कमेंसेज मीन्स स्टार्ट्स। तो जो सीजन ऑफ जॉय कब स्टार्ट होता है, फ्रॉम सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में स्टार्ट होता है एंड कॉन्टिन्यूज टिल मार्च। और कब तक चलता है, मार्च तक। द वेदर इज परफेक्ट। और इस टाइम में सेप्टेम्बर टू मार्च में क्या होता है, वेदर परफेक्ट होता है विद सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। कि कभी कभी कोई हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, अच्छे से बारिश होती है कभी कभी। द एयर ब्रीथ्स द इनविगरेटिंग कॉफी। जो हवा में क्या होती है, इनविगरेटिंग कॉफी। इनविगरेटिंग का क्या मीनिंग होता है, टू मेक समवन फील फ्रेशर, हेल्दियर एंड एनर्जेटिक। मतलब एक तरह से एनर्जाइज करने वाली, फ्रेश फील कराने वाली, जो हवा में एक तरह से कॉफ़ी की जो खुशबू होती है एकदम से मीन्स फ्रेश कर देती है और एनर्जाइज कर देती है। वी फील हैप्पी एंड हेल्दी। तो इस तरह की एक खुशबू होती है हवा में, फ्रेग्रेंस होती है। द कॉफ़ी इस्टेट्स, इस्टेट्स क्या होते हैं, बड़े बड़े जो खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बागान होते हैं, उनको बोलते हैं इस्टेट्स। तो जो कॉफ़ी के बागान्स हैं, बड़े बड़े यू कैन से फार्म्स हैं। एंड कॉलोनियल बंगलो, कॉलोनियल बंगलो मीन्स वहाँ पे जैसे ब्रिटिश राज के टाइम में जो ब्रिटिश कॉलोनियल कॉलोनी थी उनके जो बंगलोज हैं, स्टैंड टक्ड अंडर कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। की जो बंगलोज हैं वो क्या है, बड़े बड़े ट्रीज से कैनोपीज बनी हुई। कैनोपीज मतलब जैसे कवर्ड कर रखे, इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं कि उन्होंने बंगलोज को कवर्ड कर रखा है और बंगलोज उनके नीचे छुपे हुए, उनके नीचे इस तरह से हैं जैसे पेड़ों के नीचे, पेड़ उनके ऊपर कैनोपी बना के रखे हैं। कैनोपी मीन्स एक तरह की कवरिंग है उनके ऊपर। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूक आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब आगे उथर बताते हैं कि जो कूर्ग के लोग हैं वो कैसे हैं, दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट। फियर्सली इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग होता है, कि मतलब वो एकदम से इंडिपेंडेंट प्रवृत्ति के हैं। फियर्सली का होता है बड़े ही जो वायलेंट प्रवृत्ति होते हैं, लेकिन यहाँ पे किस वे में लगाया गया है कि वो बिल्कुल ही किसी भी तरह की उनके उनको सप्रेस किया जाए, किसी तरह से उनको अपने अंडर किया जाए, इस तरह का उनमें बिल्कुल भी नहीं है। उनके स्वभाव में उनकी जो प्रवृत्ति है, उनका जो नेचर है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रवृत्ति का है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, कि उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, डिसेंडेंट्स का क्या मीनिंग होता है, कि जो उनके फोर फादर्स हैं, पर्सन्स फैमिली और ओरिजिन। तो जो उनके फोर फादर्स रहे होंगे कूर्ग के लोगों के, वो कौन होंगे, या तो ग्रीक के होंगे या अरब के होंगे, दे आर अरेबिक और ग्रीक। अब इसको प्रूव करने के लिए ऑथर कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज बता रहे हैं। एज वन स्टोरी गोज, कि एक स्टोरी के अनुसार, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट। कि एक बार अलेक्जेंडर जब भारत में अटैक करने के लिए आया था, और जब वो साउथ में अटैक कर रहा था, सदर्न कोस्ट के साथ साथ जब उसकी आर्मी मूव कर रही थी, एंड सेटल्ड हेयर। और बाद में क्या हुआ कि जो आर्मी के जो सोल्जर्स थे, दे सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। कब सेटल हो गए थे, जब वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया था, बड़ा ही यू कैन से मुश्किल हो गया था। उस समय क्या किया, कुछ सोल्जर्स यहाँ पे सेटल हो गए थे। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स। और जो ये लोग थे जो यहाँ पे रह गए थे, वापस नहीं गए थे आर्मी के लोग, इन्होंने जो लोकल लोग थे उनसे शादी कर ली थी। एंड देयर कल्चर इज एपरेंट, एपरेंट मीन्स क्लियर, क्लियरली विजिबल इन द मार्शल ट्रेडिशंस। और हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो ये लोग यहाँ रह गए थे उनके जो कल्चर्स थे वो किस फॉर्म में यहाँ पे अभी भी
है इन द फॉर्म ऑफ मार्शल ट्रेडिशंस मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, कि जो मार्शल ट्रेडिशंस हैं मैरिजेज के ट्रेडिशंस हैं और जो रिलीजियस राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स मीन्स जो पूजा पाठ की जो करने के तरीके हैं, रिचुअल्स हैं, राइट्स मीन्स रिचुअल्स, तो ये सब तरीके वो ग्रीक के लोगों से मिलते जुलते हैं, दे आर विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, क्योंकि भारत पहले क्या एक हिंदू कंट्री था, तो हिंदुओं से डिफरेंट है, और किससे मैच कर रहे हैं, दे मैच विद पीपल ऑफ ग्रीक, ग्रीक के लोगों से, ग्रीक के जो रिचुअल्स हैं उनसे यहाँ के रिचुअल्स मिलते हैं, तो ये सोच के ये मान सकते हैं कि इन लोगों के जो डिसेंडेंट्स हैं वो कौन रहे होंगे, अलेक्जेंडर की आर्मी के जो सोल्जर्स आए थे वो रहे होंगे जो कि ग्रीक के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, और जो थ्योरी ऑफ अरब ओरिजन है, कि क्योंकि दो थ्योरी है ना, एक तो कह रहे कि ये अरब ओरिजिन के हैं, तो जो अरब ओरिजिन की थ्योरी है उसका सपोर्ट हम किससे मिलता है, फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, कि जहाँ के जो लोग हैं, देखिए कि जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, लंबा सा जो कोट है, लॉन्ग ब्लैक कोट, एंड विच विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और उसकी जो देखिए वेस्ट पे देखिए एक बेल्ट बांध रखी है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स उस पर कढ़ाई की हुई है, नक्का मतलब कि एक तरह से सुंदर, जैसे आपने देखा होगा ना एम्ब्रॉयडरी कर रखी हो, जो अच्छे से डिजाइंस बना रखे हो, तो जो ये बेल्ट है ये अच्छे से एम्ब्रॉयडर्ड है, वोन बाई कोडवस, तो जो कोडवस है जो यहाँ के लोग हैं वो एक तरह से बेल्ट बांधते जैसे कि कोडवस पहनते हैं, नोन एज कूपिया, और इस बेल्ट को क्या बोलते हैं, कूपिया, व्हाट इज दिस बेल्ट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कूपिया, इट रिजेंबल्स द कूफिया, देखो यहाँ पे डबल पी है, यहाँ पे डबल एफ हो गया, स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, वोन बाय द अरब्स एंड कूट्स, जो कि ये इस तरह के ड्रेस और इस तरह के जो कपड़े पहने जाते हैं, कौन पहनते हैं, अरब्स एंड कूट्स, यानी अरब के लोग और कूट, दे आर ऑल्सो फ्रॉम दैट रीजन, दैट ओरिजन, तो जिस तरह के वो लोग कपड़े पहनते हैं, यहाँ के जो कुर्गी लोग हैं वो भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तो ये देख के हम कह सकते हैं कि इनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो कौन रहे होंगे, अरब के लोग रहे होंगे, दे वुड बी अरेबिक डिसेंडेंट, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, आवाभगत, आतिथ्य सत्कार, जो मेहमानों का हम वेलकम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर, और जो यहाँ के लोग हैं वो किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा विलिंग है, टू रिकाउंट, रिकाउंट का मतलब क्या होता है, कि हम पुरानी बातें बार 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 बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, न्यूमरस मीन्स सो मैनी, लॉट्स ऑफ टेल्स, टेल्स मीन्स स्टोरीज ऑफ वैलर, वैलर मीन्स ब्रेवरी, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, कि जो यहाँ के लोग हैं वो अपने बेटों या अपने पिता की जो बहादुरी की कहानियाँ हैं उनको बार 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 बताना पसंद करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट, तो दिस इज द नेम ऑफ द रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी, जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट जनरल थे उनका नाम था जनरल करियप्पा, द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ही वॉज जनरल करियप्पा एंड ही वॉज फ्रॉम कुर्ग, कुर्गी। इवन नाउ कोडवस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये कितने इंडिपेंडेंट किस्म के लोग हैं, कितनी फियर्सली इंडिपेंडेंट, जो पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि अभी भी इंडिया में कुर्गीज को फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस लेके जाने की परमिशन है। फायर आर्म्स क्या होते हैं, वेपन्स, की हथियार बिना किसी लाइसेंस के भी वो कंट्री में कहीं भी ले जा सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, तो जो कुर्ग है वहाँ पे कौन सी रिवर है, कावेरी,
तो वहाँ जो ये रिवर कावेरी है उसका जो वाटर है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग हिल्स एंड कोरे, यू कैन से फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। महाशीर अफ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, तो महाशीर ये किसका नाम है, महाशीर अ फ्रेश वाटर फिश। अबाउंड इन दीज वाटर, अबाउंड का क्या अर्थ होता है, अबाउंड मीन्स दे आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन दीज वाटर्स। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और जो किंग फिशर जो बर्ड्स होते हैं वो पानी में डाइव करते हैं, डुबकी लगाते हैं, डाइव मीन्स डुबकी लगाते हैं, किसके लिए, फॉर देयर कैच, कि वो जो फिश पकड़ने के लिए पानी में डुबकी लगाते हैं। वाइल स्क्विरल एंड लंगूस ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। तो जो स्क्वेयर्स हैं यानी कि जो गिलहरियां हैं और जो लंगूर हैं वो पार्शली ईटन फ्रूट्स है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि एनिमल्स आधा फ्रूट्स खाते हैं, कुछ पार्ट खा लिया फिर उसको फेंक देते हैं, तो आधे खाए हुए फ्रूट्स को, पार्शली ईटन फ्रूट्स को पानी में ड्रॉप करते हैं, पानी में फेंकते हैं, और जो उसके गिरने से स्प्लैशिंग की आवाज़ होती है, जो पानी में छपाक की सी आवाज़ होती है, उसका एंजॉय करने के लिए, और जो रिपल इफेक्ट है, रिपल इफेक्ट क्या है, जैसे शांत पानी है उसके अंदर आप कुछ डालते हैं तो अचानक से उसमें सो इतनी सारी वेव्स जो उठती है पानी में, दे आर कॉल्ड रिपल इफेक्ट, कि तो वो पानी की स्प्लैश और रिपल इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए मीन्स पार्शली ईटन फ्रूट क्लियर पानी में डालते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत, और जो एलिफेंट है उनको पानी में नहाना और उसको स्क्रब, स्क्रब मीन्स रगड़ना, जो महावत है एलिफेंट्स को रगड़ के यहाँ नहलाते हैं, जो कि उन्हें बड़ा ही पसंद आता है, दे एंजॉय इट। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, लेड बैक इंडिविजुअल्स कौन होते, ऐसे लोग जो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, जिनको कोई एक्टिविटीज़ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ या जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ पसंद नहीं होती है, इस तरह के लोग अगर वो कुर्ग जाते हैं तो क्या होता है, बिकम कन्वर्ट्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, किसमें, टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, कि इस तरह की लाइफ जिसमें हाई एनर्जी एडवेंचर होता है, और किस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं वो सब, विद रिवर राफ्टिंग, क्योंकि वहाँ पे रिवर राफ्टिंग है, कनोइंग है, कनोइंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ यू कैन से बोटिंग, रैपलिंग, रैपलिंग का मीनिंग दिया है गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, की रोप के सहारे पहाड़ की चोटी से नीचे आना, दैट इज रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, कि वहाँ पे जो इस तरह की सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है, जैसे रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है एंड माउंटेन बाइकिंग, तो इन तरह की जो एडवेंचर से भरी हुई, एनर्जी से भरी हुई एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो जो लेड बैक इंडिविजुअल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इन एक्टिविटीज़ की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज़। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, और बहुत सारे जो ट्रेल, ट्रेल क्या है, रास्ते, पाथ, कि बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स बने हुए हैं जहाँ पर ट्रैकर्स वहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं, तो कौन कौन से जो गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जो इस एरिया में होते हैं कुर्ग में, दीज आर रिवर राफ्टिंग, कनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग, तो दीज आर द डिफरेंट स्पोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं, बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, मैक्वीज, बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अगर आप कुर्ग जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से दूसरे इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स मिलते हैं, देखिए, बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज, इफ़ यू गो देयर इन कुर्ग तो वहाँ पे आपकी कंपनी देने के लिए आपको ये भी मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज। मैक्वीज, मैक्वीज क्या होता है, ए टाइप ऑफ मंकी, दैट इज ए जीनस ऑफ मंकी।
मालाबार स्क्वेरल, ये एक अलग टाइप की स्क्वेरल होती है, एक गिलहरी दूसरी मालाबार में जो पाई जाती है वहाँ की। लैंगूस, लंगूर जो हिंदी में होते हैं उसकी स्पेलिंग ये लैंगूर्स होती है यहाँ पे। एंड स्लेंडर लोरिस, लोरिस एक तरह का एनिमल ही होता है जिसकी आंखें बड़ी शार्प होती हैं। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो ये जो सारे एनिमल्स बताए कौन कौन से, मैक्वीज, मालाबार स्क्विरल, लैंगूस एंड स्लेंडर। स्लेंडर होती है थिन, पतली लंबी सी। लोरिस, लोरिस एक टाइप का एनिमल है। कीप ए वॉचफुल आई, वॉचफुल आई मीन्स का कीपिंग ए वॉचफुल आई मतलब निगरानी रखना। फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ट्री कैनोपी मीन जो जो पेड़ की जो पत्तों से भरी हुई जो होती है, ऐसे लगता है वहाँ पे कैनोपी लगी हुई है। तो वहाँ से अपनी सारे ये जो एनिमल्स मेंशन किए हैं वहाँ सब पे आंख नज़र लगा, यू कैन से लगा के रखते हैं, वो सबको ऑब्जर्व करते रहते हैं। आई डू हाउ एवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। अब नैरेटर कहते हैं कि आई डू, कि मैं जो नैरेटर की जो हैबिट है कि मैं क्या है, आई प्रीफर टू स्टेप असाइड। स्टेप असाइड मीन्स एक साइड हो जाना फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, कि जब भी वहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स आते हैं तो मैं उनसे एक साइड हो जाते हैं, क्योंकि एलिफेंट्स के रास्ते में आना इट मे नॉट बी सेफ, क्योंकि क्या होता है कई बार एनिमल्स जो हैं एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ सकता है। तो इट्स बेटर टू बी इन वन साइड। द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अब यहाँ पे जो हिल्स है उसका क्या नाम है, ब्रह्मागिरी हिल्स, कि अगर आप ब्रह्मागिरी हिल्स को क्लाइम करते हैं, दैट ब्रिंग्स यू इन टू अ पैनोरमिक व्यू। पैनोरमिक व्यू क्या होता है, अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, कि जहाँ से एक दूर का दृश्य दिखाई देता है, नज़ारा दिखाई देता है, तो वो पूरे लैंडस्केप जो कुर्ग का है वो अच्छे से दिखाई देता है। अगर आप ब्रह्मागिरी हिल्स पे जाते हो और वहाँ से देखते हो तो आपको पूरे कुर्ग का एक अच्छा सा लैंडस्केप दिखाई देता है। और उसके आगे क्या है, ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर आइलैंड। कितनी कितना एरिया है आइलैंड का, 64 एकर आइलैंड ऑफ निसर्गाधमा। क्या नाम है, निसर्गाधमा। तो ये निसर्गाधमा जो आइलैंड है वहाँ जाने के लिए क्या है, यू हैव टू वॉक अक्रॉस अ रोप ब्रिज। वहाँ पे जाने के लिए रोप का ब्रिज बना हुआ है, रस्सियों का ब्रिज बना हुआ है, जिससे आप 64 एकर का जो आइलैंड है और जिसका नाम है निसर्गाधमा वहाँ पहुँच सकते हैं। रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुप्पे इज अ बोनस। कि अगर आप यहाँ से जाते हैं रनिंग इनटू, या आगे कहाँ जाते हैं, इनटू बुद्धिस्ट मंक्स, वहाँ पे बुद्धिस्ट मंक जो कि इंडिया के, दे आर फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, कि तिब्बत से आए और यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा सेटलमेंट जो मंक्स का है वो कहाँ पे है, इस जगह पर है, एट नियर बाई बाइलाकुप्पे, जो कि बाइलाकुप्पे जगह है वहाँ पर है। और वो एक तरह से आपको बोनस होगा, कि यानी कि आप इतनी सारी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं और साथ में आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी मिलेंगे वहाँ पे, तो दैट इज ए टाइप ऑफ बोनस। द मॉन्क्स इन रेड ऑकर, ऑकर क्या होता है, ये नीचे मीनिंग लिखा है पेल ब्राउनिश येलो कलर एंड येलो रोब्स, की जो जो मॉन्क होते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, तो उनकी जो ड्रेस है कैसी होती है, पेल ब्राउनिश येलो कलर की एंड येलो रोब्स, और रोब्स मीन्स होती है ड्रेस, येलो भी होती है एंड ओकर कलर की रोब्स, ड्रेसेस आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग। तो जो बहुत से विजिटर्स हैं जो यहाँ पे अपनी हार्ट और सोल को खोजते हुए यहाँ आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से जो टूरिस्ट हैं वो शांति के लिए, अपने दिल की शांति, आत्मा की और मीन्स दिमाग की शांति, सुकून के लिए टूरिज्म करते हैं, वहाँ एक से दूसरी जगह जाते हैं। तो एक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, दे विल डिस्कवर सच ए प्लेस देयर इन कूर्ग एट दिस प्लेस। तो
तो इस तरह से ये टेक्स्ट पूरा होते हैं। अब ये जो ब्लू बॉक्स में लिखा है ये भी एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें एक्साइटमेंट होता है कि कुर्ग इतनी अच्छी जगह है तो वी शुड ऑल्सो विजिट। सो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या क्या है, कैसे जा सकते हैं, वहाँ जाने के साधन क्या है, कहाँ से और किस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेट्स सी, लेट्स रीड फैक्ट फाइल। हाउ टू रीच माडिकेरी, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज द ओनली गेटवे टू कुर्ग। कि जो माडिकेरी है ये जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ से ये जाने का कुर्ग का एक सीधा रास्ता है यहाँ से। द मिस्टी हिल, मिस्टी का क्या होता है, जो फोगी, जहाँ थोड़े धुंध सी पड़ी हुई दिखाई देती है। लश फॉरेस्ट, लश ग्रीन मतलब एकदम हरे भरे फॉरेस्ट, एंड कॉफी प्लांटेशन विल कास्ट ए स्पेल ऑन यू। कि अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पे जो हिल्स पे हल्की सी धुंध सी दिखाई देती है, वो एकदम हरे भरे फॉरेस्ट और कॉफी के जो बागान है वो आप पे एक तरह से स्पेल कर देंगे, स्पेल मीन जादू सा कर देंगे। फाइंड ए रिजॉर्ट, और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिजॉर्ट हो सकता है, कॉफी एस्टेट होगा, और स्टे इन ए होम फॉर ए ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। और यहाँ के जो कुर्गी लोग हैं अपने घरों में भी टूरिस्ट को रहने की जगह देते हैं, तो अगर आपको वहाँ कुर्गी लाइफ का एक्चुअल में एक्सपीरियंस लेना है तो आप किसी के घर में भी ठहर सकते हैं। तो वहाँ जाने के साधन कैसे कैसे हैं, बाई एयर। द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर इन मैंगलोर, और मैंगलोर इज़ 135 किलोमीटर्स, एंड बैंगलोर सेकेंड इज़ बैंगलोर दैट इज़ 265 किलोमीटर्स। तो मैंगलोर और बैंगलोर से आप बाई एयर जा सकते हैं। देर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई एंड टू बैंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद। कि मुंबई और अहमदाबाद से एयर फ्लाइट्स है मैंगलोर और बैंगलोर, मीन्स अल्टरनेटिवली साइमल्टेनियसली। चेन्नई, चलिए अगर आपको कुर्ग जाना है तो बाई एयर कैसे जा सकते हैं। द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर दैट इज़ 135 किलोमीटर्स, जो मैंगलोर है वहाँ से कुर्ग का डिस्टेंस है 135 किलोमीटर्स, एंड बैंगलोर 260 किलोमीटर्स, और बैंगलोर और कुर्ग के बीच का डिफरेंस है 260 किलोमीटर्स का। देर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, कि मैंगलोर से मुंबई की फ्लाइट्स हैं, और टू बैंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। कि जो बैंगलोर है ये सारे जो मेजर सिटीज़ हैं उनसे कनेक्टेड हैं। कौन कौन से मेजर सिटीज़ हैं, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। तो इन किन्हीं इनमें से किसी भी एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट बैंगलोर जा सकते हैं। अगर आप बाय रेल इंटरेस्टेड हैं तो द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। तो मैसूर, मैंगलोर एंड हसन से आप बाई ट्रेन जा सकते हैं। और अगर आप बाई रोड इंटरेस्टेड हैं तो देर आर टू रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर, दो रूट्स हैं, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, और दोनों की जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट सेम है। कितनी डिस्टेंस है, 250 to 260 किलोमीटर्स। द रूट वाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वन। मोस्ट फ्रीक्वेंटेड मीन्स मोस्टली पीपल दे प्रीफर दिस वन। कौन से वाली, मैसूर वाल जो वाया मैसूर वाली रूट है, दैट वन। द अदर रूट इज वाया नीलमगल, कुनिगल एंड चंद्रयान पटना। तो ये दूसरा रूट इन प्लेसेस से होता हुआ जाता है। तो लर्नर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। लाइन बाय लाइन समरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उनके मीनिंग्स को लर्न कीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आई थिंक यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस, एंड विद दिस थैंक यू, बाय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।